अति प्राचीन समय में ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगर कोई संकट मोचन और तारणहार है तो वह भगवान हनुमान है, जिनके नाम जपने से ही सारे संकट दूर हो जाते हैं। ऐसा ही कोरोना काल में हर कोई परेशान है और दुखी है। ऐसे में नगर की सामाजिक और धार्मिक संस्था मानस मंडल समिति ने संत श्री मोहन भाई जी के सानिध्य में एक ऐसा ही बीड़ा उठाया है। प्रति मंगलवार नगर में घर घर जाकर सुंदरकांड किया जा रहा है, जिसमें भगवान हनुमान इस कठिन संकट की घड़ी में कोरोना महामारी से रक्षा करे। संत श्री मोहन भाई जी ने बताया कि हमारे मानस मंडल द्वारा इस कोरोना काल में लोगों के मन से कोरोना का भय निकालने और इस महामारी को खत्म करने के लिए प्रति मंगलवार किसी के घर जाकर रात्रि 8 से 10 बजे तक सुंदरकांड किया जा रहा है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। कोरोना महामारी में आपके द्वारा क्या विशेष किया जा रहा है? कोरोना महामारी एक ऐसी आपदा ही है जो भगवत कृपा से ही जाएगी। हम तो एक माध्यम है, हमारा उपयोग माध्यम है, लेकिन जब भी जाएगी भगवान की प्रार्थना से जाएगी। यह देखते हुए हमने अपने गाँव में सुबह 5 बजे से प्रभात फेरी निकालना शुरू किया है। महामंत्र जय राम श्री राम जय राम का महामंत्र करते हुए सामूहिक पाठ करते सामूहिक कीर्तन करते हैं और पूरे गांव में फेरी निकालते हैं। और दूसरा, प्रत्येक मंगलवार घर घर सुंदरकांड का पाठ हो, इस कारण से हम 10-12-15 लोग जुड़े हैं, तो 8 बजे से 9 बजे तक सुंदरकांड का पाठ उनके घर करते हैं। घर घर पाठ करने का उद्देश्य यही है कि उनके परिवार में, उनके बच्चों में, उनमें भी संस्कार बढ़े ही पाठ करना चाहिए। और हर पाठ में, हर नगर संकीर्तन के बाद भगवान से प्रार्थना करते हैं कि विश्व से ये महामारी दूर हो और विश्व सुख शांति समृद्धि से भरा पूरा हो। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी बात यही है कि हमसे जितना भी बन सके 10 मिनट 5 मिनट भगवान का, जो भी हम श्रद्धा से नाम ले सकें, जो हमारी श्रद्धा हो, वो भगवान का भजन करना चाहिए। देखो, हम इंसान का थोड़ा सा एहसान किया हुआ कितना मानते हैं कि यार हम वहाँ गए थे उसने हमको पानी पिलाया, हम वहाँ गए थे उसने हमको बिठा। भगवान जन्म से हमको अभी पानी पिला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, श्वास दे रहे हैं, और जो चीज़ें हमारे मनुष्य जीवन में बहुत ही ज़रूरी है वो भगवान ने निःशुल्क दी है। हवा ज़रूरी है, निःशुल्क दिया है, पानी निःशुल्क दिया है, अन्नधन भी निःशुल्क दिया है, और जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें महंगी है। यदि अभी सोना 40,000 रुपये तोला है, 40,000 रुपये तोला पानी मिलता तो हम सोना नहीं खरीदते, पानी खरीदना पड़ता। यदि 40,000 रुपये किलो अनाज मिलता तो हम अनाज ही खरीदना पड़ता, हम सोना चांदी नहीं खरीदते। तो जो मनुष्य जन्म में उपयोगी है वो भगवान ने निःशुल्क प्रदान किए जीव को, तो उनका उपकार मानते हैं, उनका एहसान मानते हैं। बीमारी कब घंटी बजा दे, कब उसका बुलावा आ जाए, जीवन क्षणभंगुर है, वो कब भी जा सकता है, इसको देखते हुए हम जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनका भजन मनुष्य जीवन में करना चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।